जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। श्रीदेवीं प्रथमं नाम द्वितीयं अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चंद्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नीं च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारंगिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मी द्वादशं लोकसुंदरी। जय जय जगन्नाथ। आज गुरुवार एवं ये जो पवित्र गुरुवार, गुरुवार को जी जेकोसी बार रे पूजा करू न करू किंतु गुरुवार टिकु से मानि थाए। काहेकी ना ये गुरुवार होची माँ भगवती आदिपराशक्ति महालक्ष्मी बार होची गुरुवार। आम ओडिशा रे बा उत्कल प्रदेश रे ये बृहस्पति बार गुरुवार को आम विशेष करी मानि थाउ एवं आम घरे किछि हौ न हौ टिके लिपापोछा हे द्वार मुहरे दुब टिके फूल टिके पूर्ण कुंभ टिके बसी माँ लक्ष्मी निश्चित भाव आम आज टिके पूजा करी थाउ। एवं आपण माने देखुछंति जय जगन्नाथ टीवी रे सीधा प्रसारण रे संध्या समय रे भगवान पतित पावन नारायणंकर दर्शन एवं महाप्रभुंकर ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्ररु प्रभुंकर ये सुंदर भव्य मंदिर बड़दाण्डर दृश्य भक्त माने एठी एणे तेणे बुलुछंति छिड़ा होती सतेज परी ये वैकुंठ रे प्रभुंकर दर्शन पाई आज समस्त व्याकुल होकरी अछंति संध्या दर्शन करिवे प्रभुंकु गुहारी जणैबे। एवं आज जो गुरुवार आज्ञा ये लक्ष्मीकर आज विशेष करी उपासना होइथाय ये बृहस्पति बार रे अमर तो जहाँ प्रसंग रही कर्पूर आलती प्रथमे काहीं करा जाए एवं ये कर्पूरर उत्पत्ति काहीं एवं ये कर्पूरर महत्व कौन एवं आम पौराणिक मान्यता रही कौन कर्पूर को नहीं कर्पूर संपर्क ताकि निश्चित भाव शुणा किंतु वर्तमान आपण देखुंट भगवान पतित पावन नारायण को आज बृहस्पति बार गुरुवार ये गुरुवार रे ठाकुर सुंदर भाव रे नानाविध पुष्प अलंकार रे सुसज्जित होती महाप्रभु एवं महाप्रभुंकर जेहेतु गत काली बनकलागी होई एवं बनकलागी रे महाप्रभुंकर कला श्रीमुखटी कला श्रीमुख गोटी की सुंदर चका डोला पद्म फूल भीतरे की भृंग करे खेला हे जय जगन्नाथ। महाप्रभु को मुख पद्म को देखिदेले सतेज परी अति अद्भुत मन होती प्रभु काहीं गत काली बनक लगी होती महाप्रभुंकर श्रीमुख पूरा चमकुची एवं तेजमय महाप्रभुंकर ये श्रीमुख विग्रह सुंदर भाव आपण को दृश्यमान हो बड़दाण्डे एपटे सेपटे भक्त जुआड़े देखिए भक्त ये बड़दाण्डे ढड़ा होती सत किंतु जदि पचारे प्रत्येक भक्त मानू काखक आसिल किपर लगला से मैंने कहे आम किपर आम भाव को व्यक्त करूँ प्रभुंक पाखक आसी प्रभुंकर दर्शन ये क्षेत्र दर्शन महाप्रसाद सेवन जो आनंद ताहा कौन किए वर्णना करपार अकर असीम ताहा अनिर्वचनीय ताहा वचन द्वारा प्रकाश करना अपरिकल्पित तेणु से ही महाप्रभुंकर दिव्य क्षेत्र आम मान दर्शन करुचे एवं गुरुवार निश्चित भाव संध्या समय आम ठाकुर घरे आम संध्या देवाई प्रस्तुत हे आम निश्चित भाव में धूप टिके किए लगे दीप टिके किए लगे किंतु आमर गोटे प्रश्न आसे ठाकुर माने देवता माने कहीं पाषाण रूप से काष्ठ रूप से कहीं आम पूजित होती देखिए देवादेवी माने धातु काष्ठ पथर एवं मृण्मयादि मूर्ति एमाने सब पूजित होती कहीं कारण ना यार गोटे सुंदर पौराणिक मान्यता रही जितेबले भगवान गजाननकर मस्तक छेदन हो गला भगवान शंकर शूल से समय रे सब देवता मान से उपस्थित थे एवं जिते बड़े पार्वती आसी एवं से समय रे सब देवता मान को माँ भगवती अभिशाप दे कौन अभिशाप दे ना सुंदर भाव रे अमर शिव महापुराण रे सुंदर प्रसंगटी आसे गिरीजा रथ सौख्याय जाता विघ्न पराह सुराहा जिते बड़े विघ्नराज विघ्न विनाशकंकर शिर छेदन हो जा से समय रे माप रुष्ट हो जाती कोप हो जाती से कोपरे
सब देवता मान को अभिशाप दे कौन अभिशाप दे हे देवगण यदि तुम्हें थाउ थाउ मोर पुत्र मोर संतान मोर तनुजर यदि शिर को ये छेदन हो पारुची तेरे मु तुमको अभिशाप दूची तुम्हें पूजा पाइव निश्चित भाव रे किंतु मु तुमको अभिशाप देउची जे तुम्हें माने समस्ते संस्तूना बरदा जाता पाषाणत्वे अपि भोसुराः तुम्हें माने पाषाण रूप से काष्ठ रूप से धातु रूप से पूजा पाइव सुंदर भाव में दिव्य स्नान मंडप दर्शन करुचे आम माने ये स्नान मंडप आउ किछि मास परे महाप्रभु इठारे आसी ज्येष्ठा स्नान महाप्रभुंकर हेबो एवं भक्त माने बसी आनंद आनंद बाजार रु महाप्रसाद आणुचंती महाप्रसाद आनी जितेबले जगाटीए खोजंती जे आनंद बाजार रे आमे कोठी से महाप्रसाद को पाइबु से देखंती सबुठारु उत्तम स्थान सबुठारु आनंद बाजार रो आनंदमय स्थान होची महाप्रभुंकर स्नान मंडप काहे कि ना महाप्रभुंकर स्नान मंडप आनंद बाजार रे आपण तो देखुचंती आनंद बाजार रे सबुठारु उच्च स्थान रे एवं खोला स्थान खोला आकाश जेहेतु रही भक्त मान से स्थान टी मन करती चयन कर स्थान महाप्रसाद पाई एवं छोट बड़ अनेक गुड़े मंडप मान रही से सब मंडप भक्त मान बसिकी विश्राम करूँ प्रभुंकर संध्या समय दीप जलुच्च सुंदर भाव में ये दीप हो प्रत्येक कर्मर साक्षी होती दीप एवं बिना दीपे आमर कौन सी कर्म संभव नुह जहाँकि आम शास्त्र निर्देश कर एवं ये जो दीप लगी थाए एमती कौन सी मंदिर ना जो बिना दीपरे पूजा हो प्रत्येक मंदिर देखिए प्रत्येक देवस्थान देवतांकर पूजास्थल दीप अनिवार्य बिना दीपरे आपण पूजा करें ना पुष्पर अभाव आपण पूजा करें कि दीपटे जदि पुष्प ना पुष्पर अभाव से स्थान विधान रही बिना पुष्पर आपण मानसिक पूजा करें किंतु दीपटे जदि ना दीपटी आपण को लगे पड़ो आहा सुंदर भगवान सूर्य नारायण ये भी आउचे अस्त समय भगवान सूर्य नारायण ये अस्तगामी सूर्य को आप दर्शन सूर्य तो नहांती तथापि आकाश रे आपण गैरिक रंग देखिपारे गेरुआ रंग कहीं भगवान सूर्य नारायण उदय उदय ब्रह्मण रूप उदय काल भगवान सूर्य हूँ ब्रह्मांकर रूप मध्यान्ह तो महेश्वर मध्यान्ह समय भगवान विरंची नारायण महेश्वरंकर स्वरूप एवं ये अस्तकाल रे स्वयं भगवान अस्तगामी स्वयं विष्णु ये स्वयं जनार्दनंकर रूप को आपण दर्शन करुछंती एवं भगवान सूर्य नारायण होउछंती प्रत्यक्ष देवता ये आकाश रे गैरिक रंग रे सुंदर भाव रे देखुछंती महाप्रभुंकर ये जून प्रासाद बड़ देउल ये बड़ देउल रे आपण माने तो किछ समय पूर्व पताका लागे रे दृश्य देखिछंती ये पताका सुंदर भाव रे ये नील आकाश रे नील चक्रंकर देश रे मध्य भाग रे जो बांश दंडटी रहिछि बांश दंड साहाज्य रे लाल रंगर पताका उड़ुछंती निम्न भाग रे चक्रराजंकर मध्य देश रु रज्जु साहाज्य रे अनेक गुड़िए पताका समूह बंधा जाइछि जहाँ कि आमर उत्तर दिग आड़ी उड़ुछंती सुंदर भाव रे या आकाश नील आकाश रे महाप्रभुंकर जो देउल बड़ देउल रे शोभा को अति सुंदर भाव रे वर्धन करुछंती संध्या गड़ी 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 जीव संध्या समय ये संध्या समय रे आमे प्रभु को प्रार्थना करवा दरकार प्रार्थना रे अनेक शक्ति रही प्रभु को ये संध्या समय रे प्रार्थना कौन करवा दरकार असतो माम सदगमय हे महाप्रभु हे परमात्मा आमको अंधकार रु आपण आलोक आड़ की नहीं जातु प्रभु से संध्या समय रे देखिए आमे माने दीपटीए जलई था बड़दाण्ड अनेक भक्त बुलुचंती जे कि अपेक्षा करिसंती कौन ना महाप्रभुंकर पतित पावन नारायण संध्या आरती दर्शन करेंगे जहाँकि आज किसी समय पर अनुष्ठित हो आपण माने मध्य कहीं कुआडे जामतु नाही जय जगन्नाथ टीवी रे रुहंतु आउ क्यों चैनल को जीवार आवश्यक नाही कारण महाप्रभुंकर दर्शन महाप्रभुंकर कथा महाप्रभुंकर गाथा महाप्रभुंकर नीति सब आम तो जय जगन्नाथ टीवी रे देखिबा तेणु अपेक्षा करंतु प्रतीक्षा करंतु आउ किसी समय किसी समय प्रतीक्षा पर आम महाप्रभुंकर आरती दर्शन करवा से आम संध्या समय रे दीपटीए लगी थाए अरुण स्तंभ को जदि आप देखुंती आपण को दीप ज्योति दर्शन हे कहीं ये दीप ज्योति मुहुर् मुहु जलु था ये दीप भक्त मानकर दीप बलिता द्वारा से दीप से स्थान में जलु थाए से भाव में प्रातः काल रु रात्रि अनेक रात्रि पर्यंत दीप प्रदीप जलु थाए एवं प्रत्येक देवतांग पाखरे अखंड दीप जलु थाए पतित पावन नारायण दर्शन होची ये जो कमनीय चका आखि
ରଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଙ୍ଗା ଅଧର ଇଏ ଅନେକ ପୁଷ୍ପମାଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାଏ, ମଣିମା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ 60 ପୌଠି ଖଞ୍ଜା, ଆହା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ'ଣ ଯାଉଛି, କାଷ୍ଠ ଯାଉଛି, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଆମର ଚୁଲା, ଏବଂ ସେ ଚୁଲା ଇଏ ଆମର ଯେତେ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପରମ୍ପରା କେତେବେଳେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଇଏ ପରମ୍ପରା। ସେଥିପାଇଁ କାଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯାଇଥାଏ, ରୋଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚାରିଦ୍ୱାର ଯିଏ ଯାଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଅଧିକାଂଶ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତଟିଏ ଭାବରେ କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମଣିମା ଖଞ୍ଜା ସିନା ତୋର 60 ପୌଟି ମୋତେ ଦାନା ମିଳୁନାହିଁ, ହେ ମୋତେ ଦାନା ମିଳୁନାହିଁ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ 1866 ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଥା। ଏଇ ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଦେଉ, ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କେତେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, କେତେ ନୈବେଦ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବରାଦି ଭୋଗଠୁ ଧରି କୋଠଭୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କୌଣସି ହିସାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଠଭୋଗର କିଛି ପରିମାଣ ଅଛି, ତା'ର କିଛି ମାପ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଚାଉଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁହାରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଗଛରେ ପତ୍ର ନଥିଲା, ନଦୀରେ ଜଳ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଅନାହାରରେ ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ତ ଏମିତି ମରିବା, ଏମିତି ନ ଖାଇକରି ମରୁଛେ, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯିବା, କ୍ଷେତ୍ର ଯିବା, ଆଉ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଚଳିବ, ଆମେ ମରିଗଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ତ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ମେଦିନୀପୁର ଠାରୁ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଲା ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ସମୟର ଶାସକ ଥାନ୍ତି ୱାଲ୍ଟିୟର, ଯେତେବେଳେ ୱାଲ୍ଟିୟର ଥାନ୍ତି ପୁରୀର ପ୍ରଶାସକ, ସେ ଯାଇକରି ଗଜପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଗଜପତି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରୀକୁ ଅନାହାରରେ ଭୋକରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମରିଯିବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିକରି ଏଠି ଶବଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିକରି ପୋଚା ହୋଇଯିବ, ଗନ୍ଧେଇବ, କ'ଣ କରିବା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଗଜପତି କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ତ ପ୍ରଶାସକ, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ 60 ପୌଟି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ 14 କୁଇଣ୍ଟାଲ କିଛି ଏହିପରି ମାପ ରହିଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ସେଇ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ତେବେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆ ହୋଇଯିବ। ଗଜପତି କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ତେଣୁ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ, ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ତାହେଲେ ଦିଆ ହୋଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରୁଣ୍ଢ ହୋଇଛନ୍ତି ରଜାନହର ସମ୍ମୁଖରେ, ରାଜା ୱାଲ୍ଟିୟର ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜା ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ପୁରୀର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସେବକଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା, ରାଜା ୱାଲ୍ଟିୟର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ଦୁଃଖରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତୁମେ ମରିଯାଉଛ, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତୁମର ଇଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 56 ପୌଟି 60 ପୌଟି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଚାଉଳ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଶସ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ, ସବୁ ତୁମକୁ ଦିଆ ହୋଇଯିବ, କ'ଣ କହୁଛ, ରାଜି, ତୁମେମାନେ ରାଜି ତ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ବାହାରିକି ପଳାଇ ଆସିଲା, କହିଲା ଆରେ ଆରେ ଏ ୱାଲ୍ଟିୟର ସାହେବ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆରେ ମୋ ଭାଇ ପଛେ ମରିଯାଉ, ମୁଁ ପଛେ ବେଲ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜଗା ଭାଇ ଯଦି ଉପାସ ରହିବ ମୁଁ କ'ଣ ସହିପାରିବି, ନା ନା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି, ୱାଲ୍ଟିୟର ଦେଖିକରି ସ୍ତବ୍ଧ ନିରବ ହୋଇକରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ପଳାଇ ଆସିଲା, କହିଲା ଆରେ ବାବୁ, ଏ ଇଂରେଜ ବାବୁ, କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ, ମୋ ଜଗାକୁ ଉପାସ ରଖିଦେବୁ, ପଛେ ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଉ, ମୁଁ ପଛେ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର କାଳିଆ ଧନ, ମୋର ଜଗା ପୁଅ ଉପାସ ରହିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଜଣେ ମାଆଟିଏ ଆସିକରି କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ କହିଲା, ବାବୁ ପଛେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଉପାସ ରହିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ
जगन्नाथ को केते भल पाई तेणु जगन्नाथ आम हृदय अच्छा आम रोम रोम अच्छा तेणु जगन्नाथ महाप्रभु को आम जुग जुग धरी भल पाई सी होती आमर प्राण तेणु संध्या समय आम दर्शन करुचे भक्त मान किए अनेक केते प्रकार भाव प्रभु को डाकुची किए केते कथा कहवापी प्रभु को आसी किए दुख जनाऊँची किए सुख जनाऊँची किए भाव जनाऊँची किए कौच प्रभु मत अमुक दे दियो किए कौच प्रभु मत समुक दे दियो आउ किए कौच प्रभु मोर किछि दरकार नाही आउ मोर कौन दरकार मु तुमको देखुची तुम महाप्रसाद पाउची तुम क्षेत्र रे अछि याठारु सौभाग्यर कथा ये संसार रे आउ कौन अछि तेणु संध्या समय रे प्रभु को एतिकि प्रार्थना करिबा प्रदीपटिए प्रज्वलन करी घरे दीपटिए लगेबा एवं जदि कर्पूर अछि आम घरे कर्पूरटिए मध्य से दीपर अग्रभाग बलितार अग्रभाग दबा कर्पूरर विशेष महत्व रही आज्ञा आम जदि कर्पूर टिके जलेबा आम कर्पूर जलेबा द्वारा देवता मानंकु कर्पूरर गंध एवं कर्पूरर बासना आकर्षित करिथाय एवं देवता मानंकु आम जेउठी जेउठी कर्पूरटि लागे निश्चित भाव जहाँ विज्ञान कहुची कर्पूर जलेबा द्वारा अंगारकाम्ल नष्ट होइथाय जहाँकि आमको ऑक्सीजन बा अम्लजान प्राप्त होइथाय बोली विज्ञान मध्य कहुची तेणु कर्पूरर गुण संबंध रे आधुनिक जुग हेले मध्य आमर विज्ञान मध्य कहुची जहाँकि आमर परंपरा अनुसार केऊ जुगरु कालरु आमे कर्पूरर व्यवहार करुचे महाप्रभुंकर मेघनाद प्राचीरी एवं मेघनाद प्राचीरी रे ए जो ऊपर भाग आपण देखिबे चक्र चिन्हित चक्र मध्य सेठी शंख चक्र इपरि चिन्ह रहिची महाप्रभुंकर मेघनाद प्राचीरी रे दिव्य स्नान मंडप दुसुची स्नान मंडप रे अनेक भक्त बसिछंती किए बसिकरी बड़दाण्ड को देखुची आउ किए बसिकरी परस्पर भितर वार्तालाप करुछंती आउ केही केही महाप्रसाद पाउछंती एवं से स्थान रे महाप्रसाद पाइबे एक अलगा प्रकार रो अनुभव आपनकु अनुभूति हेबो जहाँ कि आपन केबे अनुभव करिनथिबे काहेकि ये आनंद बजार रे महाप्रसाद पाइबे आपन घरे पाइबे यहाँ एक भिन्न अनुभूति रहिबो काहेकि ना महाप्रभुंकर घरे बसी जो आनंद काहेकि यार नाम होउछि आनंद बजार प्रभु जेहेतु होउछंती आनंदर सिंधु सेथिपाई जो आनंद सिंधु सुखराशि सेथिपाई महाप्रभुंकर ये बजारर नाम मध्य आनंद बजार प्रणाम करि दियंतु मांकर दर्शन हलाणी कमले कमला विजय करी मंडु अछुमागो नीलगिरी नाना पुष्पे धंडा सजाइण पंडा सुंदर भाव रे भगवती पीत रंगर वस्त्र परिधान करिछंती आज गुरुवार माजणा होइछंती यदि एपटे देखिबे एपटे मध्य भगवत टीवी परदार दुईट दुईट दृश्य आपण देखुछंती गोटे पटे पतित पावन नारायणंकर आउ गोटे पटे गुमुट महालक्ष्मीकर दर्शन आउ किछि समय किछि क्षण परे आरतीर दिव्य दर्शन आपण माने करिवे पूजा पंडा सामंत महोदय प्रस्तुत करुछंती आरतीर प्रस्तुति आपण माने मध्य घरे गोटे प्रदीपटिए लगेबे दीपटिए लगेबे से एवं से दीप अग्रभाग रे कर्पूर आपण टिके देबे कर्पूर चूर्ण करिकरि देबे कर्पूर गंध द्वारा कर्पूर अहंकारर प्रतीक कर्पूर जळी गले आम अहंकार जळी जाए अरुण स्तंभ सुंदर भाव विराजमान करिछंती अरुण रा उपर रहिछंती भीतर रहिछंती गरुड बाहर रहिछंती अरुण तेणु एठी अनेक स्तंभ रहिछि ये गरुड स्तंभ अरुण स्तंभ ये क्षेत्र रे देखिबे भगवान चक्रराज सुदर्शन मध्य स्तंभाकृति रे पूजा पाउछंती महाप्रभुंकर पाखरे रही रत्न रत्न वेदरे ये स्तंभर रहस्य कौन ना आमर अनेक स्तंभ ज्योतिस्तंभ धर्मस्तंभ यहीपरि भाव भक्ति स्तंभ गरुड़ स्तंभ होती कौन ना भाव स्तंभ ताकु भक्त टीए जाए जिते मंदिर भितर को गरुड़ पछरे देख दिशुचि कला श्रीमुख तेणु गरुड़ पछरे रहीकिरी से कला श्रीमुख को देखी थाए फाड़े अधा आखि देखा जाउथिले मध्य महाप्रभुंकर से आखि को देखी से संतुष्ट हो आलिंगन करिथाए गरुड़ स्तंभ को गरुड़ खुंभ को आलिंगन करी से संतुष्ट लाभ करिथाए परमानंद प्राप्त होइथाए ब्रह्मानंद प्राप्त होइथाए भावर स्तंभ गरुड़ स्तंभ गरुड़ खुंभ बोली आम कही था उड़िया भाषा रे यहीपरि भाव रे ये होउछंती ज्योतिस्तंभ किए अरुण स्तंभ भक्त टी जिते आसी थाए आग अरुण स्तंभर जो निम्न भाग जो पीठ रही जो मंडप रही जो मंडप उपरे अरुण स्तंभ दंडायमान होती से पीठ को से मंडप को स्पर्श करी आग मस्तक लगे थाए एवं धर्मस्तंभ धर्मस्तंभ आप शिव मंदिर को जाइए देखिए वृषभ जो स्तंभ उपरे रही आम धर्मस्तंभ बोली कह जाए सुंदर भाव कर्पूरर चूर्ण कर्पूर कथा आम कहते ये कर्पूर काहीकि
आमर महत्व रही सनातन धर्म रे एमिति कोनोसी मंदिर नाही जोठी कर्पूर व्यवहार हुए ना प्रत्येक मंदिर रे कर्पूर व्यवहार रो आमर विधान रही शास्त्र रे कर्पूर देवता एते प्रिय लागे जहाँ कि कर्पूर आमर एक स्वतंत्र वृक्ष रही से वृक्षर काठ को काटी आनी तार छाल को संग्रह करा जाई थाए एवं से छाल को जल भीतर रखी ताकु गरम करा जाई थाए एवं ता भीतर जो बाष्प होकर जो धुआं आसी थाए ताकु संपूर्ण भाव में बंद करा जाई थाए से धुआं गुड़िक परवर्ती समय जो थंडा हो जाई थाए आमको प्राप्त हो थाए सुंदर कर्पूर देवदुर्लभ कर्पूर जहाँकि प्रत्येक देवता कर्म लगी थाए आम पूजा सामग्री सनातन परंपरार जिते पूजा जिनस मान रही सर्वौषधि ग्रह महौषधि पंचामृत जिते पूजा सामग्री रही किंतु कर्पूर एक स्वतंत्र स्थान रही कर्पूर मर्यादा स्वतंत्र सुंदर भाव में गोटे गोटे महाप्रभुंर नाटमंडप सिंहद्वार घुमुट जगमोहन एवं भोगमंडप ये सुंदर भाव में गोटे पर गोटे दृश्य आपण मैंने देखुं कर्पूर रंग जेपरी धड़ा सेपरी भाव में कर्पूर गौरम ये मध्य धड़ा रंगर चूनर प्रलेप दि जाइए इपरी भाव में एपटे महाप्रभु पतित पावन नारायण कर्पूर लागे होता आमर नेत्र पलकर चतुपार्श्व एवं सुंदर भाव में नासिकार देखिए नासिकार मध्य अति अपूर्व भाव में कर्पूर लागे होता है दुईपटे दुईट बिंदु दि जाए थाए महाप्रभुंर जो अधर अधर चतुपार्श्व धार रे सुंदर भाव में धार धार रे कर्पूर गौरम करुणावतारम से धवल रंगर दिव्य कर्पूर जहाँ को आम श्री कर्पूर बोली कही था कर्पूर मध्य अनेक प्रकार किसम रही पूरा शुद्ध कर्पूर महाप्रभुं सेवारे लगी थाए प्रदीप लगिला दीप लगिला आलती हेब महाप्रभु भगवान पतित पावन नारायणंर कहीं कुआडे जातु ना जय जगन्नाथ टीवी की गोटे टीवी परदा को गोटे लय रे आप चाह रुहतु जिते दूर रे आम टीवी परदा प्रभु को दर्शन करवा प्रभु को देखा कर्पूर लागी होगला महाप्रभुंर श्रीमुखने आउ कर्पूर लागी पूर्वर तो आपण मैंने देखी वर्तमान कर्पूर लागी पर देखु आहा कि सुंदर कमनीय चका आखि कमनीय चका आखि देखी आखि जाए लाखी शोभागे पारिव लेखी महिमंडले ये शोभा को लेखिपार महाप्रभुंर ये जो दिव्य कमनीय आखि दुईटी देखुंट आपण मैंने आउ ये आखि जिते भक्त टीए देखीदे थाए किए प्रभु को चाहिए सी कहे प्रभु आपड़ मोरी आड़ी चाहते आउ जड़े ताकि ढड़ा होता है सी कहे नाई नाई प्रभु आपण मो आड़ी चाहते प्रभु आपण एमती गोटे आखि पाई जी तो देखुची सी तो कहूँ प्रभु तुम्हें मो आड़े चाह प्रभु तुम्हें मो आड़े चाह प्रभु वास्तव में आपण मोरी आड़े ही चाहते आउ चाह भी दरकार आपणकर अमृत दृष्टि आपणकर कृपा दृष्टि जहाँ उपर पड़ जाए सी धन्य हो जाए सी उद्धार हो जाए देखिए घृतर पकोचंती से जो अखंड दीप अखंड ज्योति जलुचंती से ज्योति से दीपर गर्भरे सेवक महाभाग सेवक महोदय घी को ढाड़ुचंती काहिकि ना से दीपर अखंडता अक्षुण्ण रहिबा घृत मझेरे मझेरे दिया जाय थाय आमर जते बेले तेल दीप तैल दीप घरे जलु थाय जते बेले तेल टिके कम हो जाए दीपरु आमे तेल दे थाउ एवं जदि घी दीप जलु थाय आमे घी दे थाउ मझेरे मझेरे आमर साधारणतः तीन प्रकार दीप जली थाए तैल दीप घृत दीप एवं चुआ तेल दीप जली थाए जहाँ कि सत्व रज तम ये तीनो गुण घी हूँ सत्व गुणर प्रतीक एवं राशि तेल हूँ कौन विशेषकर जो राशि तेल दीप जली थाए आम राशि तेल हूँ रज गुणर प्रतीक देखिए राशि तेल टिके रंग किपरि ना राशि तेल रंग टिके लाल रपन को टे देखिथे राशि तेल एवं चुआ तेल जहाँकि आमर महाप्रभुंर से चुआ शिला प्रतिमा मानक जो निर्माण होता प्रतिमा लगी होता है सुंदर भाव में महाप्रभुंर आरती आपण मैने दर्शन करेंगे एवं आसतु सुंदर भाव में भावपूर्ण एक भजन शुणा श्रीमती नमिता अग्रवाल माँ भावपूर्ण कंठरु यही भजन में आम आरती दर्शन करवा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ
जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। सकल तीर्थ घेनी हरी नीलकंदर विजय करी तीर्थराज महोदधि जे कि सर्वतीर्थमय महाप्रभु जगन्नाथंकर ये परम पावन क्षेत्रर तीर्थराज होती ये क्षेत्रर महातीर्थ ये तीर्थराज महोदधिंकर आलती आपण माने दर्शन करिवे। आपण माने पूर्वरु देखुथिले भगवान पतित पावन नारायणंकर आलती एवं ये आलती पूर्वरु करताली बाजुची मुखरे किछि उच्चारण होउची केवल ये जो दंडायमान होड़ा होती वैदिक विप्र ब्राह्मण मान केवल मुखर नुह यदि देखिए से चतुपार्श्वर जिते भक्त ढड़ाई जिते दर्शनार्थी ढड़ा प्रतीक्षा करीर्थराज महोदधि आलती दर्शन करने प्राय समस्त मुखरे गोटे शब्द नाम संकीर्तन चली कहीं नाम संकीर्तन चली स्वर्गद्वार पाखेरे जो तीर्थराज महोदधि रही जो स्थान रे आलती होती किसी दूर रही आम महातीर्थ श्मशान एवं स्वर्गद्वार एवं भगवान शंकर जहाँकि हे उमा हे पार्वती सत हरि भजन जगत सब सपना ये भगवान भजन महाप्रभुंर भजन ही एकमात्र सत्य आउ सबु किछ होउछि स्वप्न तुल्य ये जगत होउछि स्वप्न सदृश से ये आलती हेब बोली देखंतु केते भक्त माने छिड़ा होइछंती एवं सेमानंक हाथ दुईटी करताली बाजुची मुखरे उच्चारण होउछि प्रभुंकर नाम श्री राम जय जय राम ये होउछि आलतीर प्रभाव जो आलतीर प्रभाव द्वारा अनेक प्रभाव आम शरीर उपरे आम मन उपरे आम चेतना उपरे पड़ी थाए से प्रभाव आपण ये स्पष्ट भाव देखिपारुंट आज जनसमुद्र ये समुद्र राजंक पाखरे तीर्थराज महोदधि की मध्य आपण देखंतु आज सतेजपुरी तीर्थराज महोदधि प्रसन्न होकर अच्छा आज तीर्थराज महोदधि मन अति प्रसन्न होती कहीं आज गुरुवार गुरुवार महालक्ष्मी वार एवं महालक्ष्मी कौटी रुहंती महालक्ष्मी कौटि उत्पन्न होती समुद्र उत्पन्न होती समुद्र तीर्थराज महोदधि होती भगवती महालक्ष्मी पित्रालय अनेक भक्त हाथ को जोड़ी करताली मारु बाजुची राम कथा सुंदर करताली हाथ को संपूर्ण भाव ऊपर को टेकी आवाल वृद्ध वनिता छोटर बड़ जाए आज सुंदर भाव से आलतीर दृश्य को देखापी जहाँकि आमको कहीं आलती देखा दरकार आलती देखा द्वारा आमर दुख कष्ट तो दूर होता है
ये विश्वास रखंतु ये आरती रे एमिती प्रभाव रहिची आपण स्पष्ट भाव रे देखि पारु छन किए समुद्र को बुलिबा पई आसीची से किंतु जते बेले सुनुची जे तीर्थराज महोदधि आळती समुद्र आळती होउची अरे ये समुद्र आळती कोण ये समुद्र आळती किपरि होइथाय मन भितरे गोटे अभिलाष आसुची आळती देखिवार एवं सेई आळती देखिबा पई मध्य अनेक भक्त आजि जी माँ माने देखंतु सुंदर भाव में हूलहुल नादर सहित दुई हाथ को ऊर्धवाहु छोट पिलाटीए कुनी पिलाटीए कांध उपरे बसीची सी मध्य आलती दर्शन करिया आसीची या आलती दर्शन रो महत्व होची एहा जे आघ्राण मुक्तिदह तस्यात् नित्यम आलती पाइबा द्वारा आलती दर्शन करिबा द्वारा आमको मध्य मुक्ति प्राप्त होइथाय एवं या आलती दर्शन करिबा द्वारा आम मानंकर विलास भावनारु आमे माने मुक्ति पाई था आमर विलास भावना दूर होई आमको भक्ति भावना आमर जाग्रत होई थाए ये आलती आमको आमको परमात्मांक सहित आमको संजोग करी थाए ये पवित्र आलती एवं आलती जदि आपण देखुछंती ये तीर्थराज महोदधिंकर जो आलती दानीरे आलती कराजिवो से आलतीर गर्भ भितरे देखिबे दानीर गर्भ भितरे अनेक रहिछि बलिता मान एवं कर्पूर चूर्ण होइकिर रहिछि एवं ये जो कर्पूरर महत्व आपण देखिले भगवान पतित पावन नारायण प्रथम कर्पूर आलती करागला एवं ये जो आलती आप देखुं ये बलिता उपरे मध्य कर्पूर को चूर्ण हो दिया जाए देखु कर्पूर धरले हाथ में धरले कर्पूर एवं से कर्पूर को वर्तमान सुंदर भाव में चूर्ण करपूर से आलती दानी उपरे दिजाव ये कर्पूर कौन महत्व कर्पूर किपरि उत्पन्न ना ये कर्पूर विशेष कारण रही आम शास्त्र श्री शिव महापुराण में जहाँ वर्णना अच्छी जदि आमे कर्पूर आलती करिबा ता कर्पूर टीए जलेबा तेबे आमको गोटे अश्वमेध यज्ञर फल मध्य प्राप्त हो कौन से अश्वमेध यज्ञर फल ना आमर जहाँ शिव महापुराण रे वर्णना अच्छी जे जतेबेले भगवान रामचंद्र एक अश्वमेध यज्ञ करुछंती ता पूर्वरु देवता माने मध्य अश्वमेध यज्ञ करिछंती एवं से अश्वमेध यज्ञर नियम कौन ना अश्वमेध यज्ञर नियम होउची जे यज्ञ सरिबा परे एक अश्व को छड़ा जाए से अश्वटी जिते बाट पर्यंत जाए से अश्वटी जिते बाट पर्यंत जो मार्ग देकर जीव से मार्ग से राजांकर होइथाय एवं जिते बेले देवता माने से अश्वमेध यज्ञ करिछंती एवं से अश्व को कोठी छाड़िबे बोली समस्ते विचार करुछंती सेते बेले वशिष्ठ सेठी कहुछंती जे अश्व को कुआडे न छाड़ी मु ए अश्व को कर्पूरर स्वरूप दे दउची एवं से कर्पूरर स्वरूप जेते बेले से अश्व को से देइछंती से अश्व को यज्ञर कुंड भीतर जेते बेले दिया जाइची एवं सेही स्थान रे वशिष्ठ कहिछंती जे आजिठारु कर्पूर देवतांक उद्देश्य रे जे कर्पूर भगवानंक उद्देश्य रे आळतीर अर्पण करिवो ताकू गोटिया अश्वमेध यज्ञर फल प्राप्ति हेबो तेणु से आपड़ देखिले पतित पावन नारायण प्रथमे सर्वप्रथमे कौन ना कर्पूर आलती करागला वर्तमान तीर्थराज महोदधि जो आलती ज्योति आपड़ देखुंट एपटे पवन बहुची पवन आज प्रसन्न होकर अच्छा जिते पवन बहिले वायु प्रवाहित हेले से आलती लिभव ना कहीं ना भितर कर्पूर दि जाइंट जे अग्नि को स्थिर करके रखती सी हूँ कर्पूर एवं ये कर्पूर गंध जिते बड़े व्याप्त हो जाए ये कर्पूर गंध व्याप्त होगापर देवता माने आकर्षित होकर आसी था ये कर्पूर पूरेण मनोहरेण ये कर्पूर देवता मानकर मन को हरण कर नहीं थाए आकर्षित करें एक संपूर्ण भाव में अग्नि संजोग हो जाती कर्पूर तीर्थराज महोदधि से दानी रे कर्पूर आलतीर दृश्य आपण माने दर्शन करुछंती एपटे चतुपार्श्वरे भक्त माने मध्य चतुपार्श्वरु घेरी रहिछंती किए हाथ को जोड़ी किए सुंदर भाव में करताली मारुची किए हरिबोल किए हुड़हुड़ी किए जय जय जगन्नाथ नाम उच्चारण करुची घंट घंटा ध्वनि तीर्थराज महोदधि सुंदर दिव्य आरती आरती को सी स्थिर कर रखिंटी जेपरी विहंग टीए जेपरी पारा टीए जेपरी पक्षी टीए आकाशे उच्च आकाशे लोटनी खेलु थाए से हीपरी आरती करार विधान रही देखिए जदि आज जेहेतु गुरुवार बृहस्पतिवार जेहेतु लक्ष्मी बाप घर होची कोटा ना यही समुद्र तीर्थराज महोदधि को आप दर्शन करुछंती आज गुरुवार रे तीर्थराज महोदधि को प्रणाम कर दिंतु एवं ये तीर्थराज महोदधि जो माने आलती दर्शन करती भगवती महालक्ष्मी से मानी निश्चित भाव में प्रसन्न होती ये जो कर्पूर द्वारा आलती कराए प्रथम एथ निमंते जे
भगवान रघुनाथ रामचंद्रंकर से जो अश्वमेध यज्ञ प्रसंग आसे से अश्वमेध यज्ञ रे अश्वटी को कर्पूरर रूप कर्पूरर स्वरूप दिया जाइथिला एवं तापरे यज्ञ कुंड रे प्रदान करा जाइथिला सही दिन ठारु भगवान रामचंद्र वशिष्ठंकर सही सभा रे सेठी उद्घोषण होइथिला जे आज ठारु कर्पूर जे देवतांको उद्देश्य रे अर्पण करिवो से गोटे अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्ति हेबो सेथिपाई कर्पूरर मान्यता आमर पुराण मानंकर अनेक रहिछि कर्पूर घृत बती संयुक्त हो सुंदर भाव में आरती करुछंती वैदिक विप्र माने शंकराचार्य मठर विद्यार्थी माने किए घंट बजाऊ किए दंडायमान हो छिड़ा होई किए से आरती दानी को धरी आरती करुछंती एवं से जो आरतीर ज्योति देखुछंती चमकुछंती सते जेपरी आज पवन देवता वायु देवता एवं तीर्थराज महोदधि ये समस्ते प्रसन्न अछंती काहिकी ना आपण आरती देखुछंती आरतीर दृश्य देखुछंती एवं तीर्थराज महोदधिंकर लहड़ी की मध्य देखुछंती गोटे परे गोटे लहड़ी मारिया आसुची कूलकु ये हूँ प्रसन्नर भाव ये हूँ आनंदर भाव सते जेपरी तीर्थराज महोदधि आज अति आनंदर सहित आरती की ग्रहण करुछंती एवं से आरतीर ज्योति जेतेबेले शून्य आकाश रे बुलाउछंती आरती आरती की किपरी बुला जाए जेपरी पाराटे पक्षीटे लोटनी खेली थाए सेहीपरी आरती करा जाए एवं देवतांकर आरती किपरी करा जाए ना देवतांकर आरती एहीपरी करा जाए जे आरती दानी रे थिबा अग्नि हलिबे नाही सेहीपरी स्थिरर सहित देवतांकर आरती करा जाय थाए किंतु तीर्थराज महोदधिंकर आरती ये गोटिए मात्र देखिबे दीप आरती दानी रो एक गर्भ रही जेपरी कर्पूर आरती करा जाए सेहीपरी या भितर बलिता घृत इत्यादि सब मिश्रित करा जाए तापर कर्पूर चून पड़ी आरती हो जाए एवं अग्नि प्रज्वलित बंदे जात वेद हुतासन ये अग्नि को आराधना करिवा द्वारा जे आयु इच्छा करी थाए जे आयुष चाहू थाए सी अग्नि की आराधना करिवार विधान आम शास्त्र रे रही ये आरती आमर करा जाए अग्नि संयोग एवं ये आरती समय रे घंटा काहीं बाजे आपण देखि पारुछंती तीन जन विद्यार्थी सुंदर भाव में हस्त बाधित घंटा को धरी एक दंड साहाज्य रे बाड़ौछंती एवं से घंटरु ओंकार नाद ओंकार ध्वनि उच्चारण होउछि एवं ये घंट काहीं बाजि थाए मंदिर मानंकर देखिबे भगवानंकर आरती बेले घंट बाजि थाए आमर प्रत्येक पूजा बेले घंट बाजि थाए आमर प्रत्येक वैदिक कर्म समय रे घंट बाजि थाए ये हाथ में किए घंट बजाए एवं आचार्य जी पूजा करुथांति से हस्तचालित घंटी बजे थांति एवं ये घंटा को मध्य आमर जेते बेले पुष्प चंदन दिया जाए ताकु कुहा जाए जगत मंगल नाद आत्मने नमः ये घंट होउछंती जगत मंगलकारी नाद एवं ये घंट बाजिबा द्वारा जेते भूत प्रेत पिशाच दुष्ट शक्तिमान से स्थान रे थांति ये घंट नाद रे सेमान से स्थान को परित्याग करि थांति उग्र भूत पिशाचात्याह एतावेई भूमिधारकाः जो माने उग्र भूत प्रेत पिशाच सब थांति जहाँ को आम नकारात्मक शक्ति बोली कही था सेमान सब से स्थान को परित्याग करि चली जाई थांति एवं ये जो हाथ रे जो बजाउछंती धरिकिरी ये होउछि घंट आपण माने देखिथिबे मंदिर गला बेले जेतेबेले से हस्त चालित पूजक महाशय हाथ रे धरिकिरी गोटे बजाई थांति सी होउछि घंटी एवं आपण देखिथिबे मंदिर रे उपरू ओहिकी थी एक रज्जु मध्यम चेन मध्यम दौड़ी द्वारा सी हूँ घंटी ताको आम मैंने जा हाथ में बजे था एवं घंटा घंटी घंट ये हूँ सुंदर भाव में तीनो कथा आपण मैंने देखुं आरती सरला आरती की धरिकी नौछंती तीर्थराज महोदधिंकर समीप को तीर्थराज महोदधि आज के प्रसन्न अच्छा देखु समुद्र राज जहाँ को तीर्थराज को आज दर्शन करूँ बृहस्पति बार केवल दर्शन नुह दर्शन करके गोटे हाथ को जोड़ी प्रणाम करे प्रणाम करी कौन जनइबे हे तीर्थराज महोदधि आम मन सबुबे प्रभु चरणारविंद जो भक्ति आमको प्राप्त हो आपण आमको यही आशीर्वाद दिंतु देखु आपण मैंने प्रत्येक दिन आरती देखुं क्यों दिन से विप्र ब्राह्मण देवतांकर वस्त्र ओदा ही न थाए किंतु ये तीर्थराजंकर तीर्थराज महोदधिंकर जो लहड़ी जो जुआर आसी सीधा सड़कता वस्त्र को मध्य आज ओदा कर सारी ये हूँ कौन ये हूँ आनंदर भाव ये प्रसन्न सेठ आपण मैंने परिदृश्यमान हो प्रसन्नर भाव जे तीर्थराज महोदधि आज के प्रसन्न अच्छा
सुंदर भाव देखु पलै आसुंती आग को आगू तीर्थराजर लहड़ी एवं आलती सुंदर भाव ग्रहण करीर्थराज महोदधी सतेजपरी कहते आरती की स्वीकार करुच्ची मु आरती को ग्रहण करुच्ची जो मैंने आरती की दर्शन करुंकर आरत को मु हरण करुच्ची तीर्थराज महोदधी आरती जो मैंने दर्शन करती तीर्थराज महोदधी आरती की जो मैंने चर्मचक्षुरे अवलोकन करती विशेषकर आज बृहस्पतिवार बृहस्पति महाग्रह शांत रही था कारण बृहस्पति महाग्रह वर्ण हूँ पीत लक्ष्मींर मध्य प्रिय रंग हूँ हलदी रंग जहाँकि आम हलदी रंग को लक्ष्मींर स्वरूप बोली कही था बृहस्पति महाग्रह प्रसन्न हेले आमको अनेक किसी जीवन में प्राप्त होता है से ही प्राप्ति निम्ते नुह ये भक्ति निम्ते आज अनेक लोक मैने जन मैने माँ मैने आवाड़ वृद्ध वनिता जी आरती दर्शन करने आसी से आरती की देखीदे पाइबाप मन भितर जो व्याकुता रही केत आरती तो सरला से आरती केत आम पाखक आसब से आरती की आम पाइबू हाथ में नबू से आरती की आघ्राण मुक्तिदम तस्यात नित्यम एवं ये आरती की नेवा द्वारा आम भितर मन भितर आम हृदय भितर जो कुभावना जो नकारात्मक शक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा रही से सब दूरीभूत होब ये आरती ग्रहण करने द्वारा देखूँ नहींक्री किए मस्तक लगौच किए मुखरे किए लगौच किए आखिरे लगौच नेत्र कहीं ये आरतीर नाम हूँ निरांजन निरांजनम ते भुवि दर्शयामी ये देवतांकर मन को हरण कर आरती आरती की जो मैंने ग्रहण करती की नेवा द्वारा आमर दृष्टिशक्ति वृद्धि होता है देखिए जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर में जो कर्पूर आरती करा जाए था ये कर्पूर आरती की लिभाई दि जाए था एवं से कर्पूर को चूर्ण कर आखिरे लगे था ये हूँ आरती की भक्त मैंने जो नौ से अग्निशिखा को हाथ में देख से उष्मता को लेकर मस्तक लगौं किए मुखर लगौच से आरती की नापी व्याकुता जो देखु किए कौच मु आग ने किए कौच मत दि समस्त आरती दिजाव कितु आग नवार जो व्याकुता प्रथम मुझे आरती की ग्रहण करी प्रथम मुझे आरती की नेबी ये हूँ भाव ये भाव को व्यक्त करते आरती मो पाखक आसब तीर्थराज महोदधी जी हूँ सर्वसंपद जी रत्नाकर से महाप्रभुंर शशुर सामंत जे चतुर्वर्गाधिकारी लक्ष्मी परिचारी थीबे होई हेमंत सामंत आश्रा करी भृत्य भिक्षा मागु थीव दुख पाई तीर्थराज महोदधी आरती सरला एवं दर्शन दे कृपा सिंधु जगबंधु दया दयार जी सिंधु जे करुणार सिंधु आज भक्त जन प्राण बंधु महाप्रभु पतित पावन देवंकर दर्शन आरती परे अति दिव्य मुखमंडल आभा प्रभा को आपण माने अनुभव करंतु दर्शन करंतु प्रणाम करंतु महाप्रभु को ये महाप्रभु भक्त वत्सल ये जिते देवता रही मंदिर भितर संसार जिते मंदिर रही सबु देवता माने मंदिर भितर सिंहासन अधिष्ठित होती प्रतिष्ठित होती विराजमान होती एवं सबु भक्त माने मंदिर भितर को जाकर प्रभु को दर्शन करी थांती एवं ये एभली एक मंदिर जो मंदिर कि महाप्रभु तो विराजमान करी किंतु प्रभु आग पलि आसी द्वार मुहरे एठी रही पतित पावन रूप से पतित पावन रूप से रही मो भक्त को मु देखी बोली तेणु से ही भाव में भगवान पतित पावन एटी रही समस्ते जाती सबु मंदिर को देवता देखापी किंतु ये एकमात्र ठाकुर द्वार मुहरे गुमुट भितर रही अरे मो भक्त आसवर मो भक्त को टी मु देखी मो भक्त को मु देखीदे मो मन आनंद होती से भक्त वत्सल और केड़बड़ नाम देखु पतित पावन नाम को प्रभु ये सार्थक करेणु से हीपरी भाव में महाप्रभु पतित पावन दर्शन चली भक्त पतित पावन दर्शन करुंट गुरुवार बृहस्पतिवार आम आरती ने देखिले किपर भाव में आरती की बांटी समस्ती दिगला सामान भाव समस्ते आरती की ने तेणु आरती आमको कौन शिक्षा मिलू आरती आमको केमर कौन प्रभाव पड़ू जे जीवन में आम जिते बांटा से खुशी रहा से आनंद रहा से आमर जीवन सुखमय हम कहीं आज्ञा बांटा ना गोटे सुंदर उपाख्यान जड़े गुरुदेव दुईज शिष्य थे जड़े शिष्य को दुईज शिष्य को गुरुदेव डाकिले कहले शिष्य
तुम्हें दुईज जाओ मु तुमको आज्ञा दौर से शिष्य दुईज को गुरुदेव दुईट पुटुला दे गोटे पुटुला जड़े शिष्य को दे खाली खाद्य पदार्थ शस्य सब भर्ती करपूर्ण करे शिष्य को दे शिष्य नहींक्र गला गोटे पट मार्गर गोटे पटे गला आउ गोटे पट मार्गें आउ जड़े शिष्य को दे एक खाली शून्य पुटुड़ी शून्य गंठिलाटे दे कहे तुम्हें या नहींक्र जाओ बाटर जहाँ देख ये खाली पुटुड़ी खाली गंठिली भितर भर्ती कर रखिब एवं ताकू कहिले तुम्हें खाद्य पदार्थ परिपूर्ण करी तुम्हें जो भी देख से बांटिब दुईज शिष्य दुईट दिगरे जिते बार प्रथम शिष्य जेहेतु गंठिली ओजन था कारण शस्य खाद्य परिपूर्ण होता सी धरिकी कष्ट होता से बाटर जो दुखी रंगी लोक देखुले से बांटि दौले से खाद्य को खाली पुटुड़ी धरी अर्थात खाली बाक्स को जी धरी सी आउ जो दिगरे जाऊले से देखिले सुना पड़ी से सुनार इटा को सी गोटे रखिंट से गंठिली से पुटुड़ी पुणी आगक आगक बढ़ी आहरी अधिक सुना इटार इटा पड़ार देखी से सुना इटा को सी भर्ती करंठिले एपटे ए शिष्य जनक कौन कले ना बांटी बांटी गले खाद्य पदार्थ जो दुखी रंगी लोक देखुले से बांटी बांटिकी सी जाते ये शिष्य कौन कले जहाँ को गुरुदेव दे खाली गंठिला सी कौन कले ना केवल सुनार लोभरे सुनार इटा को गंठिले भर्ती करते आगक जाइंट तार ओजन बढ़वे लगी आगक जापारी से ओजन भार सह्य नकपारी सी से टी पड़ती ये शिष्य जी कि खाद्य शस्यर परिपूर्ण एक थली बा पुटुड़ी नहींक्र जाते सी रास्ता सारा बांटी बांटी जाते वितरण करते तेणु तर गंठिलाटी खाली होगला हालका होगला तेणु बांटवार जो आनंद बांटवार जो शांति तामको आरती रू मिली थाए प्रभु पाखे आरती सर भोग सर आमर ताकू बांटवार विधान रही वितरणर विधान रही प्रसाद बांटीण खाइब अल्प बहुत न कहिबो ये हूँ बांटवार विधान आम परंपरा आम संस्कृति आमको बांटवा शिखेई आज से ठाकुर महाप्रभुंकर आम दर्शन करुचे ये महाप्रभु ये बड़दाण्ड में भक्त माने भाव बांटी था श्रद्धा बांटी था तेणु प्रभु हूँ भाव भक्त वत्सल भगवान मणिमा जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन करुचे प्रभुंकर संध्या समय रे संध्या दर्शन ये संध्या समय रे दर्शन कले महाप्रभु को आम निश्चित भाव में महाप्रभु आमको कृपा करिवे श्री राधा देवी प्रेमपूर्ण तनु आलिंगन विभोर प्रभु जगन्नाथ नयन रथे गोचर हुवंतु मोर महाप्रभु आमर नयन रे गोचर हेबे एवं आपण माने मध्य देखुछंती अरुण स्तंभ उपर अरुण विराजमान करिछंती एपटे महाप्रभुंकर मध्य दर्शन होची पतित पावन नारायणंकर भक्त जेतेबेले प्रभु को देखी दौची एही दूररु सिंहद्वाररु प्रथमे जेतेबेले मंदिर को प्रवेश करिया पई से जाउची से पतित पावनंकर रूप को देखुची एवं पतित पावनंकर रूप को देखी कौन कहुची प्रभु को मागे नाही प्रभु राज्यटी तुम्भंकु स्वर्ण धन धान्य मणि मागे नाही प्रभु सर्वजन काम्य अति सुंदर तरुणी सदा बेले प्रभु देव महेश्वर स्तुति करंती तुमर प्रभु जगन्नाथ नयन पथे गोचर हुवंतु मोर भक्त कही थाए प्रभु को जे मंदिर भितर को जाई पारी न थाए जे पतित जो मानकर प्रवेश अधिकार नाई से अरुण स्तंभ पाखरे छिड़ा हुई अरुण स्तंभ पाखरे दंडायमान हुई प्रभु को देखी थाए प्रभु को कही थाए ठाकुर मुसीना मंदिर भितर को जाई पारुनी तुम्हें एड़े कृपाणु मत दर्शन देवाई तुम्हें द्वार मुहरे तुम्हार बसीच तुम भली कृपाणु ये जगत रे किए अच्छी गोटे पटे बापा दर्शन जगन्नाथंकर आउ गोटे पटे माँ देखागले जगज्जननी माँ महालक्ष्मी लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमलाश्री हरिप्रिया भगवती महालक्ष्मी गुमुट महालक्ष्मी दर्शन एपटे माँ हलदिया वस्त्र परिधान करिछंती गुरुवार एपटे बापा मध्य हलदिया वस्त्र परिधान करिछंती भक्त भाव रे कहुची प्रभु को प्रभु मु किछि मागु नाही आन दर्शन न लोड़े नयन
का तुम हो देखा बिना। प्रभु मु केवल दर्शन बिना ना धन मागुची ना जन मागुची किछि मागुनी प्रभु मु केवल आपणकर श्रद्धा वाली रु टिके मागुची। हे महाप्रभु मु आपणकर दर्शन बिना मु आपणकर कथा श्रवण बिना मोर आउ किछि दरकार नाही। सही कथा आज भक्त कहुचि मणिमा आहे सुरवर शीघ्र दूर कर मोर असार संसार आहे जदुपति हर मो झटती विराट पापर भार। मणिमा दीन अनाथ कु देई था प्रभु मुख्य संपद तुम्भर प्रभु जगन्नाथ नयनर पथे गोचर हुअन्तु मोर आस हे अच्युत आस हे अनंत आस आस बल राम आस जशोवंत आस जगन्नाथ आस आस कल्की राम। एहिपरि भावरे महाप्रभुंकर आपण माने दर्शन करुछंती जय जगन्नाथ टीभीरे दर्शन मध्य करुथांतु। वर्तमान एबे आसंतु जानिबा कार्यसूची संपर्क करे जय जगन्नाथ टीभीरे। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। श्रीक्षेत्र पुरी रु